हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 15.5। प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 15 पॉइंट सॉल्व करा दिया था। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द एरियाज ऑफ गिवन प्लॉट्स, ऑल मेजर्स आर इन मीटर्स। ये जो गिवन प्लॉट दिया हुआ है, ये फर्स्ट ये सेकंड, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब ये जो प्लॉट है ये एक इरेगुलर शेप है। इरेगुलर मतलब ये किसी भी डेफिनेशन में फिट नहीं होता है, ट्रायंगल की डेफिनेशन या क्वाड्रिलेटरल, इनके डेफिनेशंस में फिट नहीं होता। तो ये जो प्लॉट है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पॉलीगॉन, इसको हम बोलेंगे पॉलीगॉन। ये क्या है, ये एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन का मतलब होता है शेप, ज्योमेट्रिकल शेप विच हैव मैनी साइड्स, मतलब ऐसा शेप जिसके पास बहुत सारे साइड्स है, और बहुत सारे मतलब मोर देन फोर, फोर से ज़्यादा साइड्स होने चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन बोलेंगे। अब जो पॉलीगॉन होता है वो ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल्स को मिलाकर ही बनता है। मतलब पॉलीगॉन को जब आप सेपरेट करोगे तो आपको ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल ही मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पर बनाकर समझाती हूँ आपको। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें देखो पी क्यू ए, ये क्या है, एक ट्राइंगल है। आर सी एस, ये भी एक ट्राइंगल है। सिमिलरली पी टी एस, पी टी एस ये भी एक ट्राइंगल है। अब यहाँ पर ये जो क्वाड्रिलेटरल है क्यू ए सी आर, ये क्या है, यहाँ पे फोर वर्टाइसेस दिए हैं, फोर साइड्स दिए हैं, तो क्या हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, क्यू ए सी आर। तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है और तीन ट्राइंगल है, और इस गिवन प्लॉट का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम इसको सेपरेट करेंगे, इस प्लॉट को, इस गिवन पॉलीगॉन को हम सेपरेट करेंगे ट्राइंगल्स में, क्वाड्रिलेटरल में, एंड देन जो भी डेफिनेशन वैलिड होगा, सॉरी जो भी फॉर्मूला वैलिड होगा, उस फॉर्मूले का यूज़ करके हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर गिवन ट्राइंगल में हाइट दिया है तो बेस ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा। हाइट एंड बेस अगर गिवन है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है और एरिया फाइंड आउट करना है। इफ़ हाइट एंड बेस गिवन नहीं, अगर हाइट नहीं दिया है तो कोई भी साइड को आप बेस कंसिडर नहीं कर सकते। तो हाइट नहीं है तो इसका मतलब बेस भी नहीं है, तो हाइट और बेस नहीं है तो ट्राइंगल के मे बी तीनों साइड्स का लेंथ गिवन होगा। तो तीनों साइड्स के लेंथ का यूज़ करके हमें एरिया फाइंड आउट करना है बाय हीरोन्स फॉर्मूला, जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देखा है। एंड क्वाड्रिलेटरल भी आप लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो, एट्थ वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। एरिया का जो फॉर्मूला है वो आपने इस चैप्टर में देखा है, लाइक पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, देन ये जो है इसके एरिया का फॉर्मूला आपने यहीं पर देखा है। तो हम चेक करेंगे कि हाँ, ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है क्यू ए सी आर, ये कौन से डेफिनेशन में फिट होता है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, क्या है, एंड देन उसके एरिया का फॉर्मूला हम अप्लाई करके एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो इन ट्राइंगल पी क्यू ए, ट्राइंगल पी क्यू ए में एंगल क्यू ए पी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये क्यू ए परपेंडिकुलर है, क्यू ए परपेंडिकुलर है पी ए पर, तो जो परपेंडिकुलर साइड्स होता है वही हाइट होता है, तो क्यू ए क्या है, हाइट है। और जिस साइड पर ये हाइट बना है, जिस साइड पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, वो वाली साइड बेस हो गई, तो पी ए यहाँ पे बेस है, बेस भी मिल गया, हाइट भी मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे एंड एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे एंड एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये जो बचा क्वाड्रिलेटरल क्यू ए सी आर, अब यहाँ पे क्यू ए एक परपेंडिकुलर लाइन है, आर सी भी एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हाइट होता है। ध्यान से सुनना, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हाइट होता है, ठीक है। मतलब ये हाइट का डेफिनेशन नहीं है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में हम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम हाइट कंसिडर कर सकते हैं। तो ये वाला साइड यहाँ पे क्या हो गया, ए सी यहाँ पे बन गया हाइट, क्वाड्रिलेटरल क्यू ए सी आर में ए सी हाइट हो गया। और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा यहाँ पे, अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्वाड्रिलेटरल किस शेप का है, ये सब मैं इरेज कर देती हूँ। ये जो क्वाड्रिलेटरल है क्यू ए सी आर, ये क्या है, ये है ट्रेपीजियम। क्यों ये ट्रेपीजियम है, बिकॉज क्यू ए
एंड आर सी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों क्या है, क्यू ए एंड आर सी, ये दोनों पैरेलल है, और क्यू आर और ए सी जो है वो नॉन पैरेलल साइड है, मतलब क्वाड्रिलेटरल में एक ही पेयर है अपोजिट साइड्स का जो पैरेलल है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। तो ये क्या है, ट्रेपीजियम है। एंड ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो पैरेलल साइड्स आपको समझ में आ गई, पैरेलल साइड है क्यू ए एंड आर सी। हाइट क्या होगा, यहाँ पे हाइट हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड मतलब ए सी। देन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आ जाएगा आंसर। तो इसका सॉल्यूशन लिखना मैं अभी शुरू करती हूँ। देखो सबसे पहले लिखेंगे, जो भी ट्रायंगल के साथ आप डील कर रहे हो मतलब जिस ट्रायंगल का एरिया आप फाइंड आउट कर रहे हो, आपको उसका नाम यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू ए, इन ट्रायंगल पी क्यू ए में यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ए क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट। अब हाफ बेस यहाँ पे है पी ए, तो आपकी मर्जी, आपको लिखना है तो लिखो, मैं तो यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ 30, और हाइट कितना है 50, सो विच इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे। देखो 2 1 2, 2 25 50, तो क्या रिमेनिंग रह जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 25। अब 25 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 30 25 ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, ये काम हम नहीं करेंगे। 25 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 75। ये जो जीरो है इसको एज इट इज लिख दो, मीटर स्क्वायर में मेजर दिए तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू 750 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद इन ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल देखो आर सी एस, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल आर सी एस इज इक्वल टू, सॉरी इन ट्राइंगल आर सी एस, फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल आर सी एस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ एज इट इज आएगा, आर सी एस में बेस वाली साइड कौन सी होगी, सी एस, सी एस है 60, तो 60 लिख दो, और हाइट है यहाँ 25, ठीक है। अब कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 0 एज इट इज। नाउ 30 मल्टीप्लाई बाय 25, अगेन 25 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 75 और 0 एज इट इज मीटर स्क्वायर। और यहाँ लिख दोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल आर सी एस, यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना दोगे। अब इसके बाद देखो यहाँ पे भी मैंने ड्राइंग बनाई है सो दैट कि बार बार ड्राइंग विजिबल हो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। इसके बाद इन क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे हम, इन क्वाड्रिलेटरल क्यू ए सी आर, इन क्वाड्रिलेटरल क्यू ए सी आर, इसमें देखो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया क्यू ए सी आर, ये क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है, यहाँ पे लिख सकते हो आप क्वाड्रिलेटरल क्यू ए सी आर इज अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम है ये। अब इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स यहाँ पे क्या है क्यू ए प्लस आर सी, एंड हाइट है यहाँ पे ए सी, सो विच इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय, क्यू ए का लेंथ है यहाँ पे 50, आर सी का लेंथ है यहाँ पे 25, ए सी का लेंथ कितना है, तो ए सी एक्चुअली में है क्या, ए सी है ए बी प्लस बी सी, तो यहाँ पे आपकी मर्जी, आप लिख सकते हो ए सी की जगह पे ए बी प्लस बी सी करके नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए सी का लेंथ है यहाँ पे 60, 60 कैसे आया, 30 प्लस ये 30, सो 30 प्लस 30 बिकम 60, अगेन हाफ मल्टीप्लाई बाय, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, 50 प्लस 25 होता है 75 मल्टीप्लाई बाय 60, देन 2 1 2, 2 3 6, 0 एज इट इज। नाउ विच इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 30, नाउ 75 3 जा कितना होगा, सो 75 3 जा चेक कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 1 22, सो 2250 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्यू ए सी आर इज इक्वल टू 2250 मीटर स्क्वायर है, और इसको बना देंगे हम ऐसे बॉक्स, ठीक है। अब रिमेनिंग क्या रह गया, ये P
PTS ये वाला साइड रिमेनिंग है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PTS, इन ट्राइंगल PTS एरिया ऑफ ट्राइंगल PTS इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ आएगा एज इट इज, बेस क्या है यहाँ पे, बेस है PS एंड हाइट है यहाँ पे BT, तो लिख दो PS एंड BT। नाउ हाफ मल्टीप्लाई बाय PS का लेंथ कितना है, तो PS का लेंथ एक्चुअली में PA प्लस AC प्लस CS है, तो सबको ऐड कर लेते हैं 30, 60, 90, 90 प्लस 160 बिकम 150, सो 150 मल्टीप्लाई बाय BT का लेंथ कितना है, BT का लेंथ है यहाँ पे 30, यहाँ लिखेंगे 30, 2 1 2, 2 15 30, नाउ 150 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, 15 15 होता है 225 और ये 0 एज इट इज मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PTS, इसको हम बना देंगे बॉक्स। अब हमने क्या किया था, जो पॉलीगॉन था उसको हमने सेपरेट कर दिया ट्राइंगल्स में, क्वाड्रिलेटरल में, ट्राइंगल का और क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम सबको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन PQRST इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे नाम आएगा प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फिर उसके बाद प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PTS। अब ट्राइंगल के नाम ऊपर हम लोग देख लेते हैं क्या है, पी क्यू ए लिखा था तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं PQA, सेकेंड था ट्राइंगल RCS, यहाँ लिख देती हूँ मैं RCS, क्वाड्रिलेटरल था यहाँ पे QACR, यहाँ लिखेंगे QACR, एंड फिर इसके बाद हम ऐड कर देंगे, तो ट्राइंगल का एरिया निकला था 750, 750 प्लस क्वाड्रिलेटरल का एरिया था 2250 प्लस ये लास्ट वाले जो ट्राइंगल था इसका एरिया था 2250। अब ऐड कर लेते हैं 750, 750 कितना होगा, 1500 प्लस 2250, 2250 बिकम 4500, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4500 विच इज इक्वल टू 6000 मीटर स्क्वायर, तो लास्ट में हम लिखेंगे हिंस एरिया हिंस एरिया ऑफ पॉलीगॉन PQRST, हिंस एरिया ऑफ पॉलीगॉन PQRST इज 6000 मीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में एक पॉलीगॉन बना हुआ है, इसको मैंने सर्कल किया है, यही है, अब इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम इसको सेपरेट करेंगे ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल में, तो यहाँ पे जो भी शेप्स दिख रहे हैं वो ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो ट्राइंगल्स को आपको सेपरेट करना है, ए बी ई ये एक ट्राइंगल है, देन बी सी ई ये भी एक ट्राइंगल है, एंड सी डी ई ये भी एक ट्राइंगल है। अब यहाँ पे हमें देखना है अगर बेस और हाइट दिया है तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर हाइट ही नहीं दिया है तो बेस होगा ही नहीं, और बेस हाइट नहीं है तो हमें क्या करना होगा, हीरोंस फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखो फर्स्ट वाले ट्राइंगल से, ट्राइंगल ए बी ई वाले से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ आ जाएगा एज इट इज, बेस क्या है, परपेंडिकुलर साइड कहाँ है, ए बी, देखो यहाँ पे ना ए ई भी परपेंडिकुलर है, ए बी भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में दोनों साइड्स परपेंडिकुलर होते हैं, ये ए बी भी परपेंडिकुलर लाइन है किस पर, ए ई पर, और ए ई भी परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो आपके पास दो दो चॉइस है, आपकी मर्जी, आप किसी को हाइट कंसिडर कर लो, अगर आपने एक को हाइट ले लिया है तो अदर ऑटोमेटिकली बेस हो जाएगा, ठीक है, तो मैं ए बी को बेस ले लेती हूँ, तो हाइट बन गया यहाँ पे ए ई, नाउ हाफ एज इट इज, ए बी का लेंथ है 24, ए ई का लेंथ है यहाँ पर
सॉरी ए ई का तो लेंथ दिया ही नहीं है, अब क्या करेंगे, अब ए ई का लेंथ नहीं दिया है बट ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। देखो इन ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई में एंगल कौन सा राइट एंगल है, ए ना, तो हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन सी साइड होगी, 90 के अपोजिट की, तो 90 डिग्री का एंगल है ए और इसके अपोजिट साइड है बी ई, तो यहाँ पे लिखेंगे बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस हमने कंसिडर किया है ए बी तो हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर और हाइट हो जाएगी ए ई स्क्वायर। बी ई का लेंथ यहाँ पे दिया है 30, तो 30 का स्क्वायर, ए बी का लेंथ दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस ए ई का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस ए ई का स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे ए ई स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगी, ये जो 576 है इसको मैं शिफ्ट कर दूँगी लेफ्ट में, तो ये पॉजिटिव है यहाँ पे लेफ्ट में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो देयरफॉर ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 900 माइनस 576 हो जाएगा। 900 में से 576 सब्ट्रैक्ट करना है, 10 में से 6 चला गया 4, अब ये 10 था तो ये 9 हो गया, 9 में से 7 गया तो 2, और ये 8 था, 8 में से 5 चला गया तो 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 324, 324। देयरफॉर ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 324, देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 324। अब 324 होता है 18 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 18 स्क्वायर अंडर रूट, मतलब 324 को मैंने लिख दिया 18 स्क्वायर। अब जो स्क्वायर रूट है और ये जो पावर 2 है ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग क्या बचा, सिर्फ 18, सो देयरफॉर ए ई का लेंथ आ गया यहाँ पे 18। ठीक है, तो पहले आपको ये सॉल्व करना है, इसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पर, इसके बाद आप यहाँ पे फर्दर ये सॉल्व करोगे, इन ट्राइंगल ए बी ई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देन हाफ बेस हाइट लिख दिया आपने, ए ई का लेंथ अभी आ गया 18। अब 2 1 2, 2 12 24, नाउ 12 और 18 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 12 और 18 कितना होगा चेक कर लेते हैं, 8 2 16, 1 कैरी, 8 1 8 प्लस 1 9, 2 1 1 एंड 1 1 1, 6, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी, सो 3 1 6 आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, तो देयरफॉर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू 316 मीटर स्क्वायर, और इसको मैं बना दूंगी यहाँ पे बॉक्स। ठीक है, इतना आपको पहले करना है, देखो पहले आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, देन एरिया फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद आप देखोगे ये जो 28 दिया ना लेंथ, ये साइड सी ई का पूरा लेंथ है। ठीक है, ये जो 28 लेंथ दिया है ये पूरा साइड सी ई का लेंथ है, तो यहाँ जो ट्राइंगल बी सी ई है इसमें आप देखोगे तो तीनों साइड्स के लेंथ गिवन है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल बी सी ई, किसी भी एक लेंथ को आप क्या करोगे यहाँ पे कंसिडर कर लोगे, ए किसी को, बी किसी को, सी आपकी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू 26 एंड सी इज इक्वल टू 28, ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख के करना, मैं टेक्स्ट बुक से ही लिख रही हूँ। अब इसके बाद सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करते हैं, तो ब्रैकेट में एस लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, ए है 30, बी है 26, सी है 28 अपॉन 2, ऐड कर लो 30, 26, 28, 6 प्लस 6, 12 एंड 2, 14, 1 कैरी, 4 एंड 4, 8, 84 हो गया, 84 डिवाइड बाय 2 बिकम 42,
सेमी पेरीमीटर आ गया 42, देयरफोर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई का क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला हीरन्स फॉर्मूला है एस अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, सो विच इज इक्वल टू अंडर रूट एस है यहाँ पे 42, देन 42 माइनस 30, 42 माइनस क्या है बी 26, 26 एंड 42 माइनस 28, सो विच इज इक्वल टू अंडर रूट 42 एज इट इज आ जाएगा, 42 माइनस 30 बिकम 12, 42 माइनस 26 बिकम 16 आई थिंक, एंड 42 माइनस 28 बिकम 14। नाउ इसके बाद मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ही समझाया था, देखो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये जो है ना ये टिल्ट हो गया, तो इसको ऐसे कर देती हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही समझाया था कि हमें क्या करना है, प्रोडक्ट में लिखना है नंबर्स को। तो 42 क्या होता है, 42 होता है 7 6 ज़ा, 12 होता है 6 2 ज़ा, 16 होता है 4 4 ज़ा एंड 14 होता है 7 2 ज़ा। अब आप लोग देखोगे तो ईच एंड एवरी नंबर क्या होंगे, पेयर्स में प्रेजेंट है, यहाँ पे 7 का पेयर है, मतलब 7 टू टाइम्स है, 6 टू टाइम्स है, 2 भी टू टाइम्स है, 4 भी टू टाइम्स है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। फिर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बाय बी रेस टू एम इज इक्वल टू ए इंटू बी होल रेस टू एम, ये वाला इंडेक्स वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, इंडेक्सेस चैप्टर वाला। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 × 6 × 2 × 4 होल रेस टू द पावर 2 कर देना है, मतलब होल स्क्वायर करना है। सो देयर फोर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है और ये जो रूट है, ये जो रूट है देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, ये जो रूट है और ये जो स्क्वायर है ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा रिमेनिंग यहाँ पे 7 × 6 × 2 × 4 बचा सिर्फ। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 6 ज़ा 42, 2 4 2 4 ज़ा 8, देन इसको और फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 8 4 ज़ा 32 प्लस कैरी वाला 1 33, 336 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई आ गया 336 मीटर स्क्वायर। नाउ इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज करना है और एरिया फाइंड आउट करना है। तो ट्राइंगल का नाम क्या है, सी डी ई लिखो या ई डी सी लिखो आपकी मर्जी, तो यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्राइंगल ई डी सी, इन ट्राइंगल ई डी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू, एक मिनट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ आ जाएगा एज इट इज, बेस आ जाएगा यहाँ पे, बेस क्या है, बेस है सी ई जिसका लेंथ है 28, टेक्स्ट बुक से आप लिख लेना, और हाइट है यहाँ पे एफ डी जिसका लेंथ है 16, देन 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, सो रिमेनिंग रह गया 28 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8, देखो 28 × 8, 8 8 ज़ा 64, 4 6 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 6 बिकम 22, तो ये हो जाएगा 22 2 4 मीटर स्क्वायर। और यहाँ लिखना एरिया ऑफ ट्राइंगल बी, सॉरी सी डी ई, ना क्या लिखा मैंने, ई डी सी लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी, इसको बना दो बॉक्स। अब तीनों ट्राइंगल का एरिया मिल गया, अब क्या करेंगे एरिया को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पॉलीगॉन ए बी सी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई या जो भी नाम मैंने लिखा होगा, देख लेते क्या लिखा है मैंने, ए बी ई लिखा है या क्या लिखा है, देखो ए बी ई ही लिखा है, देन बी सी ई लिखा है और ई डी सी लिखा है, बी सी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी, ठीक है। अब पहले वाले का एरिया कितना मिला था, फर्स्ट वाले का एरिया था यहाँ पे है 316 मीटर स्क्वायर, और दूसरे वाले का है 336, 316 प्लस 336 प्लस 224, सबको ऐड कर लेते हैं, देखो
316, 336, 224. सो 6 + 6 = 12, 12 + 4 12, ये 10 हो गया 16, ठीक है, वन कैरी. 3, 5, 6, 7 and 6, 8, 876. सो 876 मीटर स्क्वायर ये एरिया है क्वाड्रिलेट, सॉरी पॉलीगॉन ए बी सी डी का. तो हम लास्ट में लिखेंगे हिंस एरिया ऑफ द गिवन प्लॉट भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो पॉलीगॉन एरिया ऑफ पॉलीगॉन ए बी सी डी ई, या फिर आप लिख सकते हो एरिया ऑफ प्लॉट ए बी सी डी इज 876 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे बच्चों प्रैक्टिस सेट 15.5 फिनिश हो गया. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.